हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आशा रचाई इंडिया क्लास लिमिटेड और यू सीरीज द्वारा संचालित इस ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज बताएंगे हम दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, और सेकंड हमारा जो टॉपिक रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव। उपचयन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। तो दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के जुड़ने के क्या प्रभाव होते हैं? सबसे पहला हमारा संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? जब कोई धातु किसी मतलब जब कोई धातु आद्रता यानी कि नमी, वायु, पानी और अम्ल आदि के संपर्क में आता है तो वह धातु संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब कमजोर हो जाती है। जब कोई धातु आद्रता, वायु, पानी और अम्ल आदि के संपर्क में आए तो वह धातु कमजोर होने लगती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि उन धातुओं पर जंग लगना शुरू हो जाता है। तो संक्षारण के कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे कि लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना भी एक संक्षारण का उदाहरण है। जैसे कि कोई लोहे की प्रत है हमारे पास, उस पर पानी लगे या फिर वह प्रत वायु के संपर्क में आए, वायु के संपर्क में आए तो इस कंडीशन में इस परत पर जंग लगना शुरू हो जाता है। जंग लगना, लोहे पर जंग लगना, जैसे कि लोहे की कोई वस्तु हमारे पास तो उस पर लाल लाल पाउडर सा जो होता है उसे हम जंग बोलते हैं। सेकंड है हमारा चांदी पर यानी कि सिल्वर पर काली परत का चढ़ना, भी एक संक्षारण का उदाहरण। फिर हमारा तांबे पर हरिप्रत, तांबे पर हरिप्रत का चढ़ना भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तांबे के कुछ बर्तन हमारे पास जैसे कि, तो उन्हें अगर कुछ दिन तक ऐसे ही रखा जाए तो उन पर हरिप्रत चढ़ने लगती है। तो तांबे पर हरिप्रत का चढ़ना भी एक संक्षारण का उदाहरण है। तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हमें उन पर पेंट करना पड़ता है। तो पेंट तो धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करना पड़ता है। उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव का दूसरा हमारा विक्रगंधिता। विक्रगंधिता क्या होती है? विक्रगंधिता वस्त्रयुक्त या तेलीय खाद्य सामग्री जब वायु के संपर्क में आती है तो वह विक्रगंधिता हमारी जब कोई वसायुक्त या फिर तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आती है तो वह उपचयित हो जाती है। उपचयित यानी कि ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेती है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा भोजन होता है, खाद्य सामग्री यानी कि भोजन होता है, वो उसके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। स्वाद और गंध दोनों में परिवर्तन हो जाता है। गंध यानी कि वह विक्रगंधित हो जाता है, यानी कि उसके स्वाद में भी परिवर्तन हो जाता है और गंध में भी। तो गंध यानी कि बदबू आने लगती है खाने में। तो इसे विक्रगंधित से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जैसे कि हमारे चिप्स पैकेट है ना, तो इन इस पैकेट में जो गैस डाली जाती है, भरी जाती है, तो वह गैस कौन सी होती है? विक्रगंधिता से बचाने के लिए इस पैकेट में नाइट्रोजन गैस डाली जाती है। तो एक तरीका तो यह है हमारा कि नाइट्रोजन गैस डाली जाती है इस पैकेट में, तो ये विक्रगंधित
होने से बच जाते हैं। दूसरा हमारा खाने को ठंडा कर, जब हम खाने को फ्रिज में रखते हैं तो ठंडा करके, तो वह विकृत गंधित होने से बच जाता है धीरे धीरे, यानी कि विकृत गंधित होने में दुगना समय लगता है जब खाना ठंडा। के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी के रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार 1 से 5 तक बताए थे, इसमें हम बताएंगे तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रभाव। तो तापमान के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाओं को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हमारा ऊष्माक्षेपी, फर्स्ट हमारा ऊष्माक्षेपी, सेकंड हमारा ऊष्माशोषी। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के दौरान, यानी कि उत्पाद के साथ साथ, यानी कि उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। यानी कि अभिक्रिया के दौरान उत्पाद के निर्माण, यानी कि उत्पाद के जब उत्पाद बने तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी मिले हमें, तो अभिक्रिया में ऊष्मा भी प्राप्त हो, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण है हमारा प्राकृतिक गैस का दहन, प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि प्राकृतिक गैस हमारी जैसे कि मीथेन, तो जब उसका दहन होता है तो क्या होता है, तो CH4 मीथेन जो कि गैस है हमारी, तो जब मीथेन का दहन होता है, दहन के लिए उत्तरदायी गैस होती है हमारी ऑक्सीजन, तो जब दोनों मिलकर क्रिया अभिक्रिया करते हैं तो CO2 यानी के कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और पानी यानी के जल का भी निर्माण होता है, तो जल हमारा किस फॉर्म में आया, गैस, यानी के गैस की फॉर्म में आया और ऊष्मा भी मिले, ऐसी अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। सेकंड है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी का बिल्कुल एकदम विपरीत है, जैसे कि तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या फिर वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या फिर हमें उसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है उन्हें तोड़ने के लिए अभिकारकों को, तो उसे ही ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, ऊष्मा का जिसमें शोषण हो यानी कि ग्रहण करती हो, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या फिर प्रकाश या फिर वैद्युत ऊर्जा की आवश्यकता पड़े उन्हें तोड़ने के लिए, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ऊष्माशोषी के जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया के उदाहरण है वे हम ले सकते हैं वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण, जैसे कि उसमें था उसमें वियोजन अभिक्रिया, प्रकाश वियोजन अभिक्रिया और वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो इसमें हमें जो उदाहरण लेंगे वो ले सकते हैं हम वियोजन अभिक्रिया के, वियोजन अभिक्रिया के तीनों अभिक्रिया के उदाहरण ले सकते हैं हम, तो ये थी हमारी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया।